Karan is a very sweet and a chocolatey boy. सनी पाजी जैसा है। तो जब आप ऐसी फिल्म्स देखते हो आप खुद ही एक्सपायर होते हैं कि अरे यार क्या मस्त चीज़ है और क्या हुआ था। तो हाँ ट्रेलर अच्छा है काफ़ी, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। बॉलीवुड टशन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज बहुत टाइम से आप जिस फिल्म का बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे वो फिल्म पल पल दिल के पास का ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है। खुद धर्मेंद्र अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए आए, अपने पोते को आशीर्वाद देने के लिए आए, करण देओल हमसे मिले, सहर बाम्बा हमसे मिली। इवेंट का पूरा जो वीडियो है वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ट्रेलर की अगर हम बात करें तो ट्रेलर वॉज सुपर्ब। ट्रेलर में आपको करण का रोमांटिक अंदाज भी नज़र आएगा और अपने पापा सनी देओल के एक्शन वाले अंदाज में भी नज़र आएंगे। आई होप उनका डायलॉग तारीख पे तारीख भी हमें सुनने को मिले। ट्रेलर जो है उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स का तड़का भी है। सहर के साथ करण की जोड़ी काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही है। चलिए पब्लिक से पूछते हैं उन्हें ट्रेलर कैसा लगा और कितना मज़ा आया उन्हें ट्रेलर देखकर। सर योर नेम? सिमरन सिंह। सो सिमरन, वेलकम टू आवर चैनल बॉलीवुड टशन। तो आप पल पल दिल के पास का ट्रेलर देखकर आ रहे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत स्वीट लगा, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो इट्स अ वेरी व्हाट कैन आई से, इट्स अ वेरी लवली फीलिंग यार, बिकॉज यू नो आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देओल एंड आई नो रेस्ट ऑफ द इंडिया ऑल्सो हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देओल फैमिली। सो इट्स वेरी गुड टू सी यू नो द थर्ड जनरेशन करन देओल ऑन स्क्रीन। एंड स्टोरी के अगर ट्रेलर की अगर बात करें तो इट्स फिल्ड विद एडवेंचर, इट्स फिल्ड विद दैट रोमांस, दैट प्योर रोमांस जो आजकल हम शायद कहीं ना कहीं मिस करते हैं। तो अपने पापा की झलक मिल रही है आपको करण देओल? ऑब्वियसली, स्पेशली मतलब स्टार्टिंग में नहीं बिकॉज जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है एंड जैसे हमने टीजर और गाने देखे, इट्स लाइक कि करण इज अ वेरी स्वीट एंड अ चॉकलेटी बॉय। लेकिन आप जब ट्रेलर देखेंगे, गेट रेडी फॉर अ सरप्राइज एंड यू विल सीरियसली गेट दैट नॉस्टैल्जिया एंड यू विल you know instantly tarikh pe tarikh and you'll get that moment you know where you'll say arre aage Sunny Paji yeah, he is Sunny Paji the puttar. Okay, so trailer mein se best scene kaun sa laga aapko? If I'll reveal then it will be like a spoiler, but it is that action moment when you will get that feeling ki ha bhai Karan de apna Sunny Paji ka puttar hai. और सहर मामा जो इस फिल्म से लॉन्च हो रही हैं उनका रोल कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है? रोल इंटरेस्टिंग लग रहा है। शी इज़ लुकिंग वेरी स्वीट एंड लवली एंड देखा जाए तो जिस तरीके से सहर ने भी नो दिस इज़ अ फर्स्ट फिल्म और इतना एक एडवेंचर जंकी का एक जो उन्होंने रोल प्ले किया, इट्स क्वाइट अ चैलेंज यार। सो या रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। ट्रेलर को 5 में से कितने स्टार्स देना चाहिए? इट्स डिफिकल्ट यार, मतलब हाउ कैन आई रेट stars with Karan but yeah Sunny Paji the puttar but still yaar I'll go with 5. जिसका लुक है सनी पाजी जैसा आया था। जब एक्शन सीन आता है तो एक तरफ से एक्शन सीन जो आता है ना वो सनी पाजी का रूप पे आ जाते हैं। हाँ, आपका फेवरेट सीन कौन सा था ट्रेलर में? एक्चुअली इसका एक्शन सीन था तो मेरा फेवरेट था, उसमें मैं सनी पाजी का को देख पाया। तो उनका वो लुक नजर आया, इंटेंस लुक, तारीख पे तारीख तारीख। हाँ मैम ऐसे ही, मतलब जैसा उनका एक फिल्म में एक्शन जो होता है ना, उनका जो सीन आता है और उनका जो एक्शन का जो मोड, वही अंदाज में उनको देखा, अच्छा लगा। अच्छा। तो उन्हें रोमांटिक हीरो के रोल में देखना चाहेंगे या फिर एक्शन या दोनों? एक्चुअल में दोनों, तो मेरे को ज़्यादा एक्शन का है क्योंकि सनी पाजी एक्शन हीरो है तो इसलिए। अच्छा, जो नई एक्ट्रेस है सहर बाम्बा जो इस फिल्म से एंट्री कर रही है उनका रोल कैसा लग रहा है आपको? वो भी अच्छा किए। हाँ, तो फिल्म के ट्रेलर को 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे? मैं 5 दूंगा, तो उससे तो ज़्यादा दूंगा तो दे पाऊँगा तो ठीक है दे पाऊँगा, नहीं तो 5 ही दूंगा। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे आप फिल्म? या मैम श्योर। ट्रेलर ओवरऑल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि लोकेशंस काफ़ी अच्छी है, ट्रैकिंग है वो है, और जो उसके बाद यूट्यूब का जो मेकिंग उन्होंने दिखाया था उसके बाद आप इससे आपको पता चला कि ये फिल्म स्टूडियो में नहीं बनी है कि आपका क्रोमा लगा के शूट कर लिया वो सब कर। तो जब आप ऐसी फिल्म्स देखते हो आप खुद ही एक्सपायर होते हैं कि अरे यार क्या मस्त चीज़ है और क्या हुआ था। तो ओवरऑल मुझे फिल्म अच्छी लगी, ट्रेलर अच्छा लगा, मैंने गाने भी सुने तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। क्योंकि इतनी मुश्किल लोकेशन थी, वहाँ पे शूटिंग करना इतना मुश्किल है तो मतलब क्रू ने भी काफ़ी मेहनत की। या जैसे मैं भी एक्टर हूँ तो मुझे भी पता है कि इतने 0 डिग्री पे जाके और कितना आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, आपके सर में दर्द होने लगता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस लेवल पे आप शूट करते हो और कितना रियल लोकेशन पे शूट करते हो उतना आपको मज़ा आता है, अंदर से फील होता है। तो मुझे आई रियली फील कि हाँ जब आप फिल्म देखोगे तो ऑडियंस भी वो फील कर पाती है, जो एक्टर फील कर रहा हो ऑडियंस भी फील कर पाती है बिकॉज ऑफ रियल लोकेशन और ऑल। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा और मैं शायद फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊँगा इसका। Ma'am, he has said many things about the trailer also, and I want to add up on that कि sub-zero temperatures में इतना easy नहीं होता है मुंबईकर्स के लिए जाके वहाँ पे इतना अच्छा shoot करना. उसने 10 महीने तक एक मॉडलिंग ट्रेनिंग करी. That means he has some zeal into himself also, ना? He has passion to do some acting and give his 200%. Okay, so he has worked onto him also, and for the movie also he had worked a lot. And when I seen the set and they're carrying the loads from these on these heights, na, it's really exaggerating kind of thing. And I'll definitely go for the first show, and it's really very natural kind of movie which I would love to watch. अच्छा गाइस, सनी पाजी की लुक कहीं नज़र आई. करण देओल के लुक्स में कुछ मैचिंग लगा, और उनका जो एटीट्यूड है तारीख पे तारीख, तो वो आपको लग रहा है उनमें एक्शन का वो दमखम देखने को मिलेगा. हाँ, वो नेचुरली है. वो आप उसके फेस भी देखते हो तो आपको पता चल जाता है सनी पाजिया, उनका वो एक रुतबा और एक आपको ऑरा आपको नज़र आता है. तो ओवरऑल तो वो वैसा फील होगा ही आपको फिल्म देखने में और सामने भी देखने में. और मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, हम लोग ने साथ में काम भी किया है. एक दो हम लोग साथ में एक्टिंग इंस्टीट्यूट में भी थे, तो मैं बाई नेचर वो बहुत अच्छा इंसान है. वो सब चीज़ें जो धर्मपा जी ने वहाँ पर ही बोला कि आपको इंसान होना अच्छा लगता है, तो आप उससे बात भी करते हो तो वो उसके अंदर बिल्कुल एटीट्यूड या वैसा कुछ है नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ. और वैसा तो मुझे बाई नेचर भी उसके साथ काम करने, और जब ट्रेलर भी देखा तो वो एक बहुत अच्छा फील अच्छा हुआ. और जैसा कि आपने ट्रेलर में लास्ट में भी देखा हो, अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो लास्ट में उन्होंने जो सीन्स दिए हैं, कुछ एक्शन थ्रिलर काइंड ऑफ सीन्स, वो गले वाला सीन जो वो उसमें लुक जो आ रहा है ना, वो धर्मबाजी वाला लुक आ रहा है. आप आइज को देखोगे ना तो यू कैन कैच विद दैट, तो दैट काइंड ऑफ लुक इज देयर. और खुद अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं इस फिल्म से सनी देओल सर, तो उनके डायरेक्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक एक्टर जब दोनों ने इतने साल काम किया है, इतने सारे इंडस्ट्री में है, तो डायरेक्शन का उनको जो हाँ एक्सपीरियंस हो ही जाता है, क्योंकि आप इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हो. तो मुझे ऐसा लगता है जब एक्टर कोई अपनी फिल्म बनाता है, अपने बेटे को लॉन्च करता है, तो उसमें अब उसमें उनका बेटा भी है, स्क्रिप्टिंग पे भी जैसे उन्होंने बोला काम किया, तो हर लेवल पे एक 100% काम किया गया, वो सब किया गया, तो ओवरऑल फिल्म तो अच्छी होगी. और तो मुझे लगता है कि हाँ, सनी पाजी ने जो डायरेक्शन किया वो सब किया, तो मुझे लगता है कि हाँ, उनका डायरेक्शन करियर भी काफ़ी अच्छा है. आपने भी देखा होगा कि सनी सर सब पूरी टीम को बूस्ट कर रहे हैं कि कितना भी खराब मौसम हो, लेकिन जो डायरेक्टर होता है इज़ द एंकर ऑफ द शिप, तो आप उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, जब कोई एक इतना बड़ा एक्टर अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है तो उसे एक इमोशनल बॉन्डिंग पहले से ही है. वो इमोशनल बॉन्डिंग को कैश करते कर जब आप उसे एक्ट कराते हैं ना, तो आप किसी भी लेवल का एक्ट करा सकते हो. आप वो आपका बात का बुरा मानने वाला नहीं है, आप उसे कितना ही बुरा बोल सकते हो, आपको हमेशा अपना 100% से ऊपर ही देगा वो. तो वहाँ पर आपको एक जो टेक्निक्स होती है ना, वो ईजी हो जाता है थोड़ा, ठीक है. एक बजट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बजट की कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे भी, कहीं ना कहीं से कहीं तक, तो आप किसी भी लेवल का आप एक शूट कर सकते हो. और जो कि करण ने बहुत अच्छा फॉलो भी किया अपने डायरेक्ट को. और लास्ट में हमने देखा जब वो जाता है रिवर में ऑन 0 डिग्री इज गोइंग टू दैट, तो दैट इज काइंड ऑफ चैलेंजिंग थिंग. आई हैव आल्सो डन इट इन टू ले, बट आई नो दैट एवरीबॉडी कैन डू दैट, एंड स्पेशली फॉर मुंबईकर्स एंड दिस काइंड लग्जरियस लाइफ होल्डर्स, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. और इस फिल्म से सहर बांबा भी एंट्री कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो करण और सहर की जोड़ी कितनी फ्रेश लग रही है? जोड़ी बहुत ही फ्रेश लग रही है. इनफैक्ट आई विल से कि लड़की को ज़्यादा कॉन्फिडेंट है लड़के से. आई परसीव दैट इन द लास्ट इंटरव्यूज़. और ऐसा लग नहीं रहा कि उस हीरोइन की वो पहली मूवी है. शी इज़ सो मैच्योर्ड एंड शी विल कैरी अलॉट कॉन्फिडेंट अलॉट इन द फिल्म. तो कॉन्फिडेंट तो लग रही है बेसिकली. और ठीक है, अभी फर्स्ट फिल्म में सब कुछ होता है. मैंने भी एक्ट किया है तो मुझे भी समझ में आता है कि फर्स्ट फिल्म में आप कितने नर्वस होते हो, कितना आपको वो कैमरा टेक्निक्स नहीं होती कि जो आपको कैसे पता होता क्या चीज़ होती. तो फर्स्ट फिल्म के हिसाब से जो उसका ट्रेलर है वो सब है, तो उसमें वो मैच्योर लग रही है और अच्छा लग रहा है. अच्छा गाइस, ट्रेलर की बात करें तो बेस्ट सीन कौन सा लगा आपको ट्रेलर में से? बेस्ट सीन मुझे उसका जब वो लगा, जब वो एक्शन सीन था. एक तो रैपलिंग वाला सीन काफ़ी अच्छा था, और जो एक्शन सीन में उसने ऐसा करके टर्न करके लिया जिसमें उसके बियर्ड है वो सब है, तो वो सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मेरे को जब वो माउंटेन क्रॉस करते हैं उस रोप पे से एक दूसरे को कैरी करके, वो सीन आई फाउंड इट वेरी रियली एक्साइटिंग काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज़ वेरी चैलेंजिंग काइंड ऑफ सीन फॉर दैट. आई लव दैट सीन. तो ट्रेलर को 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे? आई विल 5 to 5. आई विल गिव 5 3.5 ऑन द ट्रेलर. ट्रेलर अच्छा है, काफ़ी मेहनत की है फिल्म में जो दिख रही है. और करण का डेब्यू है तो जगीरा के डेब्यू है, इसका दिख रहा है. अच्छा, अपने पापा सनी देओल की झलक उनमें नज़र आ रही है, एकदम गुस्से वाली. और जब वो रोमांटिक हीरो का रोल करते हैं तो कुछ भी पापा की झलक आती है उनमें? हाँ, डेफिनेटली सनी देओल की झलक है उसमें. वो सब फीचर्स दिख रहे हैं, धर्मेंद्र जी का भी दिख रहा है कुछ. अच्छा, तो करण और सहर जो है एकदम फ्रेश जोड़ी है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी इंटरेस्टिंग लगेगी पर्दे पर? है, काफ़ी मेहनत की उन्होंने, जैसे बताया उसके बाद काफ़ी मेहनत की दिख रहा है. बाकी इन फ्यूचर देखते हैं कैसा जाता है उनका. ट्रेलर को 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे? मैं 3 स्टार दूँगा। ट्रेलर मैंने देखा, ट्रेलर तो एक्चुअली अच्छा ही था, ठीक लगा। जिस तरीके से करण देओल की लॉन्चिंग है, सनी देओल के बेटे हैं और धर्मेंद्र के पोते हैं और धर्म जी भी साथ में थे। ट्रेलर देखा, अच्छा लगा मुझे। तो जब वो एकदम एक्शन लुक में नज़र आते हैं तो अपने पापा की झलक आपको दिखाई देती है उनमें? एक्चुअली है उनका, जैसे जवानी वाला लुक था सनी पाजी का, तो थोड़ी थोड़ी झलक है जो कि अभी। वैसे तो एक्चुअली उनका मूवी के अंदर रोमांस भी है, थोड़ा फाइट भी है, तो फाइट के सीन में थोड़ा सा अपने पापा की झलक दिखी है कि सनी पाजी का शायद हो सकता है कि 2.5 किलो का उनका हाथ नज़र आ जाए। तो सर आप उनको रोमांटिक फिल्मों में देखना चाहेंगे या फिर एक्शन? एक्चुअली देखो अभी तो उनका एक यंग है, उनका डैडी भी एक्चुअली रोमांटिक ही मूवीज़ की थी और प्लस जिस तरीके से उनका लुक वाइज है जैसे, तो अभी तो फिलहाल वो रोमांस मूवी ही में बेटर रहेगा। और अगर कुछ चेंज होता है तो अभी देखते हैं, मूवी आ रही है कि पूरी। अभी तो हम लोगों ने ट्रेलर ही देखा है, ट्रेलर देखने के उससे तो हम कह नहीं सकते कि मतलब कहाँ कैसा रहेगा। मूवी आएगी तो तब देखेंगे कि मूवी देखने के बाद किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस उसका दिखेगा। तो पापा के लुक्स हैं और फिल्म का जो टाइटल है वो दादा धर्मेंद्र के गाने से भी लिया गया है, पल पल दिल के पास। तो टाइटल कितना खूबसूरत लगा आपको? देखो टाइटल तो इन्होंने बहुत सेलेक्ट करके रखा है कि पल पल दिल के पास, क्योंकि बहुत सारी अभी नई नई मूवीज़ आ रही हैं उनका, लेकिन उन्होंने जो टाइटल लिया है वो एक उनके उनके खुद मतलब करण के दादी धर्मपा जी के सॉन्ग की उससे लिया है कि पल पल दिल के पास कोई रहता। तो उसी के हिसाब से उनको उनका लुक वाइज एंड उनके जो सॉन्ग भी इसमें है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको किया गया है। तो ट्रेलर को आप 5 में से कितने स्टार्स देना? ट्रेलर को तो मैं 5 में से 3 स्टार ही दूंगा फिलहाल। बाकी तो ये कि मूवी आने के बाद देखते क्या होता है। बट ये करण है उसमें एक्चुअली उसमें उनके फादर की झलक दिख रही है, तो बाकी उनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है कि मूवी के बाद में क्या परफॉर्मेंस का निकलता है। बहुत अच्छा लगा, रोमांटिक है, इमोशनल है और एक्शन है, तीनों चीज़ें अच्छी है ट्रेलर। तो आपको एक्शन फिल्में पसंद है? नहीं, मुझे तो रोमांटिक फिल्में पसंद है। या पर इसमें करण देओल की रोमांटिक अंदाज भी नज़र आ रहा है और एक्शन से भरा हुआ अंदाज भी नज़र आ रहा है। तो दोनों अंदाज देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत 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 एक्साइटेड हैं हम। ओके, ट्रेलर में से बेस्ट सीन कौन सा लगा आपको? जो पहाड़ वाली सीन लगी। सर आपने देखा ही होगा आजकल जितने भी यंगस्टर्स हैं वो एडवेंचर जंकी बन चुके हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद आते हैं, रैपलिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह सब कुछ उन्हें बहुत पसंद है। तो इस फिल्म में भी हमें वो देखने को मिला, तो वो चीज़ देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? क्योंकि और किसी फिल्म में आजकल हमें दिख नहीं रहा है। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, ये फिल्म ट्रेलर देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो करण और सहर की जोड़ी कैसी लगी? बहुत कपल या फ्रेश। तो 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे ट्रेलर? 5 में से 4.5 स्टार देना चाहेंगे। अच्छा, करण देओल को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के थ्रू? कि और अच्छे से काम करें और उनको बढ़ोतरी हो, अच्छी मुकाम तक पहुँचे। तो आप सनी देओल सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं? No, I am Salman Khan fan. Salman Khan fan. Okay sir, thank you so much for speaking with Bollywood Tashan. तो मैम पल पल दिल के पास का आप ट्रेलर देखकर आ रहे हैं, कैसा लगा आपको ट्रेलर? बहुत अच्छा, बहुत अलग यूनिक था और सिद्धार्थ गरिमा ने लिखा है तो ज़रूर कहानी में कुछ यूनिकनेस तो होगी। मैम अपने पापा सनी देओल की झलक नज़र आई करण देओल में? बहुत ज़्यादा, इवन दादा की भी झलक नज़र आई और जो उसका बिहेवियर है, जो उसके संस्कार हैं वो देओल खानदान से बिल्कुल सटीक मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत कॉन्फिडेंट है बच्चा और बहुत बढ़िया से जवाब दिया, कई बार तालियां भी बजी और वो तालियां उसके जवाब से, उसकी हाजिर जवाबी और कॉन्फिडेंस को, मीडिया को भी अपनापन सा महसूस हो। हाँ। और नेचुरली सारे मीडिया जिन्होंने, हमने धर्मेंद्र जी के इतने इंटरव्यू किए हैं, सनी देओल के किए, तो हम भी चाहते हैं कि उनका बेटा इस लेगेसी को आगे बढ़ाए और मुझे लगता है कि फिल्म ज़रूर लोगों को, खासतौर पे यंगस्टर्स को पसंद आएगी। मैम ट्रेलर में से सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा पसंद आया? ट्रेलर में बहुत सारे सीन हैं जो अच्छे थे, लेकिन शहर और उसका जो बर्फीली वादियों वाला दृश्य वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैम सहर और करण का जो जोड़ी है उन दोनों की, वो आपको बहुत फ्रेश लगी, क्या पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फ्रेशनेस थी और इवन सहर भी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने लेवल पे। इनफैक्ट जितना अच्छा बात करने में करण है, जो स्क्रीन में थोड़ा सा कहीं कॉन्शियस था, शायद उसके ऊपर प्रेशर भी है क्योंकि थर्ड जनरेशन है, इसलिए हो सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। फिर मैम आप 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगी? ट्रेलर को 3.5 देना चाहूँगी। मुझे तो बहुत फ्रेश लग रही है, बहुत ही यूथफुल चेहरा है। और हम लोग हमेशा ये देखते हैं ना कि अभी आजकल जो नए स्टार्स की पिक्चर आई हैं, हीरो अच्छा होता है तो हीरोइन डाउन होती है, हीरोइन ऊपर होती है तो हीरो डाउन होता है। बट यहाँ दोनों एक दूसरे के टक्कर गए हैं। तो एक में एक्शन दिखता है, रॉनेस दिखती है, दूसरी सॉफ्ट है, इंटेलिजेंट है, और स्टोरी भी इतनी अच्छे से उठाई है। मुझे लगता है कुछ स्टोरी माउंटेनियर की है जो कि उसको एक नई दुनिया में लेके जाता है। और आज के यूथ को ये फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि आजकल सब लोग मेटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं एक हिडन जो है नेचुरलनेस की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये फिल्म लेके जाएगी कि अपने अंदर ढूंढो अच्छा क्या है। तो दैट इज़ वेरी गुड अबाउट दिस फिल्म। क्योंकि आजकल जितने भी यूथ है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बहुत पसंद करते हैं, तो उसका भी तड़का लगा दिया गया है फिल्म में, रोमांस में। और एक्शन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं करण देओल। तो जो उनका एक्शन वाला डेडली लुक है, आपको लगता है अपने पापा सनी देओल से कुछ मिलता जुलता है? मुझे तो पूरे ट्रेलर में जो लुक दिया उन्होंने लास्ट में, सॉलिड लुक है। और ऐसा दिख रहा है कि आँखों में अंगार भरा हुआ है। और वो लिबरन बंदा है, मुझे पता है, मैं डेट ऑफ बर्थ से ही इज़ ए लिबरन गाय। तो लिबरन लोग बहुत बैलेंस पर्सनालिटी होते हैं और सनी देओल भी लिबरन है, तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ जो है आगे पीछे हैं। तो पूरा पावर है, डोमिनेट कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और जो मेहनत की गई है पहाड़ पे इतना चढ़ना और ये शूट करना, अपनी जान को जोखिम देना, क्योंकि मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ तो मुझे पता है कि फिल्म में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, कितना आपको लेवल पे जाना पड़ता है। तो उन्होंने सब कुछ किया है और एक ऐसा ड्रामा पेश करने की कोशिश की है जो यूथ को और फैमिली को भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि क्लीन फिल्म होगी तो फैमिली जाएगी। और फ्रेश फेस है सनी देओल के, जितने फ़ैन हैं जिन्होंने मोहल्ला अस्सी और भैया जी सुपरहिट, ये दोनों पिक्चरें 8 साल से बंद थी, बट इतनी गजब की फ़ैन फॉलोइंग थी। इवन उनकी जो ब्लैंक मूवी है जो ऑडियंस ने मिस किया, मैं कहूँगा कि आप जाएँ वोडाफोन प्ले पे या अमेज़ॉन पे जाके ये फिल्म देखें। सुपर पिक्चर है, मज़ा आ गया मुझे वो फिल्म देख के। बस होता है हर पिक्चर का एक लक होता है, बट डेफिनेटली एक तो इतना रोमांटिक नाम है पल पल दिल के पास, दिस फिल्म इज़ गोइंग टू डू। तो ट्रेलर में से बेस्ट सीन कौन सा लगा आपको? बेस्ट सीन तो मैं खुद एडवेंचरस बंदा हूँ, तो लोग जो रैपलिंग कर रहे हैं, जो जंप करके झरने के क्रॉस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा सीन था। और शहर के भी लुक्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी बंदी ने लगता है मेहनत की है, अपने आप को जो इसकी पर्सनालिटी है उसके आगे बढ़ के उसने काम किया है। तो डेफिनेटली अच्छा होगा। और मैं और भी कास्ट से देखा, मैंने काफ़ी नई कास्ट है बट जुझारू कास्ट है। और मुझे लगता है कि जब नए लोग एक साथ होते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ करके ही जाते हैं। और लीडर भी अच्छा है क्योंकि सनी देओल 19 अक्टूबर का है, तो ही इज़ ए बॉर्न लीडर। तो लीडरशिप क्वालिटी से जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा चीज़ को, क्रू को हैंडल किया और इतना मेहनत किया और ऐसी जगह पे गए जो कि, और लोगों को बड़ा ताजुब होगा कि वो बोलेंगे अरे इंडिया में शूटिंग है, लग रहा है स्विट्ज़रलैंड, बट वो पूरा इंडिया है, हिमाचल है। मैं खुद हिमाचल में काफ़ी साल रहा हूँ, हिमाचल से अच्छा कुछ नहीं है। आप उत्तरांचल जाइए, हिमाचल जाइए, दीज प्लेसेज आर द बेस्ट। और टूरिज़म को कितना प्रमोशन मिल रहा है, ये मेरे को लगता है हिमाचल में तो पिक्चर हाउस, मतलब क्या बोलते हैं उसे, टैक्स फ्री होगी। क्योंकि हमारा कंट्री भी इतना ब्यूटीफुल है, हम फॉरेन लोकेशंस पे ही क्यों शूट करें, इंडियन लोकेशंस पे भी फोकस करना चाहिए, राइट? आजकल बहुत सारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो बाहर की लोकेशंस पे शूट करते हैं। नहीं, हॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं, देव पटेल की अभी मैंने मूवी देखी थी द वेडिंग गेस्ट, पूरी की पूरी इंडिया में शूट कर रहे हैं। तो जितना बेसिक क्या है, थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा फिल्म इंडस्ट्री अभी भी, तो वो ऑर्गेनाइज थोड़ा हो जाए तो बाहर के लोग और फ्रीली आएंगे और अच्छे से शूट करके जाएंगे। क्योंकि चीप है, वहाँ का ₹1 मतलब $1 यहाँ के 70 हो जाता है, तो इसलिए भी वो आएंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट, कुछ सिस्टम नहीं है ऐसा, गवर्नमेंट को थोड़ा करना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम करना चाहिए कि भाई अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक बंदे को मिले और सारा काम हो जाए। तो अभी भी वो इंडस्ट्री थोड़ा सा यहाँ लैक करती है। सर वैसे ट्रेलर को आप 5 में से कितने स्टार्स देना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो 4.9 स्टार्स हैं, एक रख लेता हूँ क्योंकि कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, फिल्म आ रही है तो। बट फिल्म मुझे लगता है कि आपका पैसा तो वसूल करने ही वाली है, तो मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। थोड़ा इमोशनल भी हुआ मैं, क्योंकि मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, तो मैं उस इमोशन से गुजरा कि यार मेरी भी पिक्चर का ऐसे ट्रेलर आया था तो लोगों ने कैसा रिस्पॉन्ड किया था। तो एक पॉजिटिविटी थी, किसी ने भी नेगेटिव क्वेश्चन तो पूछे नहीं, एक भी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। जो कि कुछ तो पिन पॉइंट करते ना लोग, यार ये बेकार लग रहा है, अच्छा, बट लोगों ने 100% जो सराहा और एक तालियां भी बजाई। सबके फेस पे ना एक चमक थी, एक खुशी थी कि यार चलो अच्छे बंदे आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अपनापन सा फील हुआ। हाँ, अपनापन सा फील हुआ। और धर्म जी की बात तो एकदम अलग, मैंने उनको पहली बार जो है इतना क्लोज से देखा था, आज भी उनके चेहरे पे वो चमक है, दैट इज़ ग्रेट। उनका नाम हीमैन जो है बिल्कुल सही रखा है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि पल पल दिल के पास का ट्रेलर सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया, सब लोगों को फिल्म के लीडिंग स्टार्स जो हैं उनसे काफ़ी अपनापन भी महसूस हो रहा है। फिल्म कब आएगी ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि 20 सितंबर को फिल्म रिलीज़ होने वाली है और प्रस्थानम के साथ क्लैश करने वाली है। लेकिन आज जो फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है वो सभी लोगों को एक्शन से भरपूर लगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स से भरपूर लगा और रोमांस के तड़के ने इस फिल्म के ट्रेलर को 4 चांद लगा दिए हैं। तो हमें तो ट्रेलर काफ़ी पसंद आया, आपको ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल बॉलीवुड टशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब बॉलीवुड टशन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि बॉलीवुड से जुड़ा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। स्टे ट्यून्ड।